अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल रोल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल नई रेसिपी है क्योंकि हमने इसमें जो शीट इस्तेमाल की है वो होममेड तो रहेगी, लेकिन हम इसे अंडे से बनाएंगे। ये बनाने में आसान ही है और टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। तो इसे बनाने के लिए मैं एक बोल में 4 अंडे ले रही हूँ। इसमें मैं 1 ग्लास यानी कि 250 ml दूध डाल रही हूँ। इसी में हम 3 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इन सबको मिक्स कर लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, बस हम इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। इसे वापस से मिक्स कर लीजिए। जो कि इसमें थोड़े से लम्स है तो हम इसे एक मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, जिससे इसका एक स्मूथ सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो देखिए, अब ये लम्प फ्री हमारा सोल्यूशन तैयार है, जिससे हम अंडे की होममेड शीट्स तैयार करेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसे साइड में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसके लिए वेजिटेबल फिलिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिए है 1 बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी कैबेज, आधी रेड बेल पेपर, 1 शिमला मिर्च, 2 से 3 बारीक कटे हुए गाजर और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें लेंगे। स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें हम ये सारे वेजिटेबल्स को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। इसमें 5 लहसुन को बारीक काट कर डालेंगे और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। अब इसमें वो सारे वेजिटेबल्स डाल देंगे। क्वांटिटी आप इसमें अपने हिसाब से ले सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें वो सारे मसाले, नमक, हल्दी, रेड चिली फ्लेक्स और काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर बस 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। हमें इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका क्रंच रिटेन रहना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए। इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच विनीगर, 1 चम्मच टोमेटो सॉस और 1 चम्मच डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ। ये सब डालने के बाद आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये फिलिंग बहुत ही मज़ेदार बनती है, जिससे अल्टीमेटली हमारे रोल्स भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। फिलिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और एक दूसरा पैन लेंगे। इसमें 1 चम्मच तेल को इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। अब जो अंडे का सोल्यूशन हमने तैयार किया था वो इस पर इस तरीके से डाल देंगे। जैसे हम चीला बनाते हैं उसी तरीके से हम इसे डालेंगे। और ये शीट भी आप चीले की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये शीट बनाते टाइम फ्लेम को हमें बिल्कुल लो पर रखना है। लो फ्लेम पर बनाने से इसमें 2 से 3 मिनट में हमारी एक शीट तैयार हो जाएगी। तो देखिए, बहुत ही आसानी से हमने इसे बना लिया है और ये शीट्स टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें अंडा डाला है। मैं एक और शीट आपको डालकर बताती हूँ, बहुत ही आसान है। बस आपको इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। इसी तरीके से हम सारी शीट्स तैयार कर लेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल रेसिपी है, इसे मैंने ऐसे ही ट्राई किया था और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसे शेयर कर दूँ। और इसे बनाने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक छोटा सा बोल लेंगे और इसमें 1 चम्मच मैदा डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक सेमी थिक पेस्ट बनाएंगे। अब जो शीट हमने बनाकर रखी थी उस पर हम इस तरीके से फिलिंग डाल देंगे। और जैसा मैं बता रही हूँ, आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। जो मैदे का पेस्ट हमने अभी बनाया था वो इसके साइड्स और एजेस पे इस तरीके से लगा देंगे और इसे वापस से फोल्ड कर इस तरीके से सील कर देंगे। तो देखिए, अब हमारा रोल तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे रोल्स भी तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने सारे रोल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम इसके लिए एक और कोटिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बोल में 2 बड़े चम्मच मैदा डालिए, इसमें 1/4 चम्मच नमक डालिए और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक इसकी स्लरी तैयार कर लीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी को हम थोड़ा सा थिक रखेंगे ताकि ये अच्छी कोटिंग बना सके। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब जो रोल हमने बनाए थे वो इसमें अच्छी तरीके से डिप करेंगे और वापस से इसे बारीक सेव से कोट कर लेंगे। आप चाहो तो ये सेवियों की बजाय ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं कोटिंग के लिए। दोनों से भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, आप ब्रेड क्रम्स यूज़ करिए या सेवियाँ। फ्राई करने के लिए मैंने तेल को मीडियम गरम कर लिया था और हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। जब ये हल्के से सिक जाएंगे तब आप इन्हें टर्न करिए और सारे साइड से इनका अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करिए। तो देखिए, इस तरीके का क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने इसे फ्राई कर लिया है। इसी तरीके से आप सारे रोल्स को फ्राई कर लीजिए और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए, क्योंकि ये गर्म गर्म में ही बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं। तो आपको मेरी ये न्यू रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।